चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट लाइव में जुड़ जाओ। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। जितने भी लाइव में फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जो लाइव में आ सके। आज जो लाइव टेस्ट भी होने वाला, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए चलिए जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जो है लाइव में आ सके और कमाल का टेस्ट भी लगा सके और अच्छे से तैयारी भी कर सके। राम राम राम। ईशा शर्मा, ऋषु गुप्ता चल गए आज क्या? आज पूरा फॉर्म में थे ऋषु गुप्ता, सुबह सुबह राम का भजन सुन रहे थे। चलिए वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करो क्योंकि आज जो है आप सभी का मन पसंदी क्लास शुरू हो गया है। आप सबको बता दे आज टेस्ट भी होने वाला है, लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट में सभी को कमाल करना है, इसलिए वीडियो को एक बार जमकर शेयर कर दो। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जाम है। यह हिस्ट्री का कमाल का वीडियो है जिसका जीरो लेवल भी तैयार है, उनका हीरो लेवल तक पहुंचाने वाला यह क्वेश्चन लेकर आए। आप सभी स्टूडेंट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आकर अपना पढ़ाई अच्छे से करके 2023 में कमाल कर सके। चलिए ऋषि गुप्ता आ चुके हैं बैक, यहाँ पर राजा बाबू, यहाँ पर अहमद बेगम साहनी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप सीधे आपको प्रश्न पर ले चलते हैं। पास सेक्शन ए की क्वेश्चन करवाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर पद संख्या एक से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआरसीट पर एग्जाम में चिन्हित करना है, लेकिन यहाँ पर 50 प्रश्न का आंसर वहां पर लगाना है, लेकिन यहाँ पर 100 आंसर लगाना है, वो भी आपको लाइव चैट में, समझिए लाइव चैट में आंसर लगाना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। आज का कमाल सेशन है, कमाल सेशन में आप सबको बहुत ही कमाल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ। क्या होगा आंसर भी आना शुरू हो चुका है। विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहते थे? 2020 में कमाल किया था, 2023 में धमाल मचा देगा। विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, राजा नहीं लगाते राय लगाते थे। राइट आंसर ऑप्शन मार ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर दो कहता है किसने कहा था कि मैं काबा में हूं ना कैलाश में, देश भगवान हरेक सांस को सांस में है। ये किसने कहा था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, फटाफट आंसर लगाओ। क्या होगा? बहुत बढ़िया ऋषि गुप्ता, ऐसा शर्मा बहुत ही सुंदर कमाल का आंसर ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं कबीर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कबीर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास बैजू बाबा तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगा। सूरदास बैजू बाबा और रामदास की बात हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे अकबर के काल में थे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाओ। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक की बात की जा रही है, यहाँ पर चार ऑप्शन देगा, आप फटाफट आंसर लगाओ। क्या होगा? अकबर, वाजिद और यूसुफ जी, यहाँ पर शेख फरीद। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर बी, उनका 100% वाजिद हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, कमाल का क्वेश्चन है, लाजवाब आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया दीपक। क्वेश्चन नंबर 5 पता है किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? पटना सिटी में कौन सा सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो चार ऑप्शन दिया गया, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास अमरदास। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर लगाओ। क्या होगा? कमाल का क्वेश्चन है, लाजवाब आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया ऋषि गुप्ता। हाँ, ये सभी न्यू क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन मसी, उनका 100% है, गुरु गोविंद सिंह था, राइट आंसर ऑप्शन मसी वाले बच्चे का बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सुल्तानों ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानों ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? चार ऑप्शन दिया, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। क्या हुआ? दागने यानी मोहर लगाते थे, गर्म लोहा करके जो है उस पर मोहर लगा देते थे। जरिए बताओ कौन सा सुल्तान करते थे? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर जो भी चला रहे, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता था। राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को जो है शेयर कर दो, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत बड़ा इशू। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है? दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। मोहम्मद बिन तुबलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। क्या होगा? फटाफट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया इंडिया, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इब्राहिम लोदी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आ चुका है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए पंडित जी, चलिए दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक महिला शासक कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 में क्वेश्चन पूछा था। किसकी बात हो रहा है? दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थे? वह रजिया सुल्तान थे। कौन थे? रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात बने बेगम कमाल का आंसर आ रहे हैं, मिथू कुमारी बहुत ही सुंदर, सन्नी, यहाँ पर सलमान, ईशा शर्मा बहुत ही बढ़िया। सा क्वेश्चन नंबर नाइन, हुमायूं के बारे में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब्दुल रजक, अल बिरूनी, बनियर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। हुमायूं के दरबार में जो है ना भारत, जो कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत है? कोई नहीं आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसके पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋग्वेद के काल के लोग थे ना वो किसके पूजा करते थे? चार ऑप्शन दे गया, फटाफट आंसर लगाओ। बात बना लक्ष्मी, वो जो पूजा करते थे ना किसके पूजा करते थे? वह प्रकृति के पूजा करते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमारी बंदोबस्त कब लागू की गई गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो मैं चला रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही है, 1993 में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? 2012, 15, 16, 20 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन किसकी बात हो रहा है? अस्थायी बंदोबस्त की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो मैं चला रहे ऑप्शन नंबर सी उनका लाजवाब आंसर है, बंगाल में लागू किया था, उसके बाद बिहार में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन में 13 का था, रैतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैतवारी व्यवस्था की बात की जा रही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर क्या होगा? चले बहुत ही सुंदर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में जो लगा रहे किसान उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में सी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का था, अकबर का जन्म कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। किसकी बात हो रहा है? अकबर की बात हो रहा है। अकबर का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन सी अमरकोट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमरकोट में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें फिर से कि आज जो है लाइव टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट होने वाला है, सभी का कमाल का टेस्ट होने वाला है। सभी स्टूडेंट लाइव टेस्ट में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपका दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार कोई भी है जो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, हिस्ट्री उनका है, उनके पास आप लोग एकदम प्रेम से इसको वीडियो का लिंक को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट टेस्ट में लगा सके और पूरा क्लास भी कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, किस मुगल शासक की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दिया गया, अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। क्या हुआ, अरे कमाल का आंसर लगा रहे जो बच्चे लगा रहे, अकबर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में ए वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है, बहुत बढ़िया ईसा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया कर जो है किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे गया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। क्या हुआ राइट आंसर, फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बात बने मिट्टू, सलमान भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बेगम, अरबाज, सन्नी। चलिए बहुत सुंदर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे अकबर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, अकबर ने इबादत खान किस वर्ष स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता, इबादत खाना की किस वर्ष स्थापित हुआ था अकबर के समय में। चार ऑप्शन दिया गया, 1572 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1573 में, ऑप्शन सी 1574 में, ऑप्शन डी 1575 में। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर लगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे, ऑप्शन नंबर बी 1573 में स्थापित किया गया था। तो 1573 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18, आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें कर उगाई जाती थी वह संख्या कितनी थी। उसकी संख्या पूछ रहा है, कितने थी संख्या, उसकी संख्या जो थी कितने थे, जल्दी से आंसर लगाओ। अरे वाह कमाल कर दिया, उसकी संख्या जो थी 43 संख्या थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 संख्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 कहता है, भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उनका नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, अफ्रीका और स्पेन के जो फसल आई थी, भारत आई थी, उस फसल का नाम क्या था। यहां पर चार ऑप्शन देगा, मक्का, गेहूं, चावल, कपास। फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, मक्का आई थी, कौन सी आई थी फसल, मक्का आई थी। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 20 कटा है, 17वीं सदी में जो नए फसल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई थी उनमें शामिल थे, उनमें से कौन सा फसल शामिल थे, फसल या सब्जी। चार ऑप्शन देगा, फटाफट लगा क्या होगा, फल तथा सब्जी की बात हो रहा है। तो चार ऑप्शन, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो लगा रहे हैं, टमाटर, आलू, मिर्चा, अनानास तथा पपीता, ये जो आए थे नए दुनिया से, समझ गए, उस समय के नए दुनिया से आए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अलग देश से आए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किताब उल्लेला में किसका यात्रा वृत्तांत है। 2018 और 20 में क्वेश्चन पूछा था, फटाफट आंसर लगा, बहुत बढ़िया बेगम, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे इबन बतूता, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में पर 22, रेहला नमक पुस्तक किसकी रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, रेहला नमक पुस्तक की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दे गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, रेहला नमक पुस्तक किसकी रचना है, इबन बतूता की रचना है। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इबन बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, खिलजी वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दे गया, फटाफट राइट आंसर लगाओ क्या होगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो था खुरसो खां था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना कहां की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दे गया, बनारस में, सारनाथ में, राजगिरि में या चंपा में। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट लाइव चैट में आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो लगाने, राजगिरि उनका लाजवाब आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। 2009 में पूछा था, 2012 में, 2018 में, 2020 में, लगातार क्वेश्चन पूछा था, 2023 में सीधे पूछेगा प्रश्न, आंसर लगाओ क्या होगा। किसकी बात हो रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन में ए वाला बच्चा लाजवाब आंसर ला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया। बेगम कमाल का आंसर लगाने 13 अप्रैल 1919, बहुत बढ़िया। इसी तरह डिटेल में आंसर लगाइएगा तो आपको बहुत दिनों तक याद। सन्नी भी, सुनील भी लगाए डिटेल में आंसर, यहाँ पर सलमान भी लगा रहे हैं, चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर नीतीश, चलिए बहुत सुंदर। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन दे गया, 1907 में, 1909 में, 1911 में, 1917 में। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। हिंदू, किसकी बात हो रहा है? हिंदू महासभा की स्थापना की बात हो रहा था, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, 1917 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनेगा, क्या जानते हो? इस यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, क्या जानते हो? हिंदू महासभा मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 27, स्वराज दल की स्थापना हुई थी 2018 और 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था। किसकी बात हो रहा है? स्वराज दल की बात की जा रही है, चार ऑप्शन दिया गया, 1911 1920 1922 1932। क्या हुआ? स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था 1922 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? चार ऑप्शन देगा, फटाफट राइट आंसर क्या होगा। बौद्ध बिहारों की संपत्ति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए इनका पतन यहां पर भारत में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है 29, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर पूछे गौतम बुद्ध के पिता मतलब पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम राहुल था, कि एग्जाम में पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो ला रहे हैं सकल कुल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 30, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? वेदों की संख्या कितनी है? चार वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? कौन है ऋग्वेद है, समझिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चार वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद का नाम है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल कुमार भी बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 31, रामायण की रचना किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? रामायण की बात की जा रही है, रामायण की रचना किसने किया था? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। अगर महाभारत की रचना की बात की जाए, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, दोनों याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में जो, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था वो मैं सेक्शन बताएगा, कितने दिन तक? 18 दिन तक लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में पर 32, दुर्योधन की मां कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंधारी, कुंती, माद्री और सत्यवती। क्या होगा क्वेश्चन में 32 का राइट आंसर? क्या होगा, किसकी बात हो रहा? दुर्योधन की मां की बात हो रहा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो चला रहे गंधारी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्जुन की मां का नाम क्या था? तो कुंती अर्जुन की मां का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव के युद्ध में शामिल थे, कौन शामिल थे? चार ऑप्शन है, कृष्ण, पांडु, संतानु, भीष्म। क्या हुआ क्वेश्चन में 33 का राइट आंसर? क्या हुआ, सबको पता है, अधिक से अधिक स्टूडेंट कृष्ण लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ पर क्या दे रहा है, कौरव और पांडव के बीच में, समझिए उनका बीच में भीष्म पितामह दोनों ओर से जो था ना लड़ने का योग थे, लेकिन लड़ रहे थे किसके ओर? कौरव की ओर से लड़ रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीष्म यानी देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भीम की पत्नी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसकी बात हो रहा? भीम की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दे गया प्रोविडेंशियल, द्रौपदी, गंधारी, हिडिंबा, अंबा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर भी बच्चा बहुत अधिक संख्या में फंसेंगे, क्यों? देखिए, हिडिंबा उनका पत्नी थी, स्पेशल पत्नी से, समझ गए? आई द्रौपदी थे वो, यानी पांचों पांडव की, यानी पांच पांडव की पत्नी कौन थी? द्रौपदी, यानी भीम का, भीम का जो था द्रौपदी भी पत्नी थी, लेकिन इसमें क्या कर, भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा से, जो गंधर्व विवाह किए थे राक्षसी से, गंधर्व विवाह करके हिडिंबा उनके पत्नी बने थे, जिससे घटोत्कच पुत्र पैदा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? मौर्य वंश की बात हो रहा है। तो मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? विदिशा में, दिल्ली में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में। बराबर आंसर लगाओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल लाजवाब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में 36 था, मौर्य कालीन कलिंग राज कहां स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात है? मौर्य कलिंग राज की बात हो रहा है। चार ऑप्शन दे गया, प्रॉपर आंसर लगाओ क्या होगा? क्वेश्चन में 36 का राइट आंसर जो बच्चा लगा उड़ीसा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतनी शिद्दत से करो कि आपकी सफलता जो है शोर मचा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन 37 का मौर्य प्रशासन में समर्थता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बात हो रहा है? समर्थता की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बात हो रहा है? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? चार ऑप्शन दे गया, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा? बिहार, बंगाल, सॉरी, पशुदान, धन दान, भूमि दान, कृषि दान। क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भूमि दान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका और गणतंत्रात्मक। फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा? किसकी बात हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रहा है। क्वेश्चन 39 करेक्ट आंसर जो लगा रहे नगर पालिका, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में शहरिया व्यवस्था था, उनका वहां के आदमी क्या करते थे? व्यापारिक करते थे, याद रखिएगा। यहाँ पर हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था, सॉरी 1921 में हुआ था। किसने किया था? रखालदास, सॉरी दयाराम साहनी ने किया था। रखालदास बनारसी मोहन जोद्रो की खोज किया था 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था हुआ क्या था? विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था और मानवीय कारण था। राइट ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री की गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिखता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता के, स्त्री के गर्भ से जीवन पौधा निकलता हुआ प्रतीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर जो चला रहे हड़प्पा से, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा स्थल का उत्खनन हुआ था? चार ऑप्शन है, या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस लगाओ क्या होगा? क्वेश्चन में 42 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हड़प्पा का, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 43। क्वेश्चन में 43 कहता है भारतीय राजतंत्र अधिनियम कब बना? 2017 में क्वेश्चन पूछा था, किसकी बात हो रहा है? भारतीय राजतंत्र अधिनियम की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हुआ? 18 जुलाई 1947 को बना था। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2018 में क्वेश्चन पूछा था, 21 में और 20 में भी पूछा था।
किसी बात रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रहा है, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, समझ गए। चलिए, गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 2012 और 20 में क्वेश्चन पूछा था। किसकी बात हो रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो, जितना भी स्टूडेंट अभी लाइव में, एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो, समझ गए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चल, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे? 2011 में क्वेश्चन पूछा था। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे, वो बने थे 1946 में बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब तक रहे थे? 1964 तक रहे थे। क्वेश्चन से ताले, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 48, तमिल लिपित बंदरगाह अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन सी बंगाल में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इलाहाबाद पर प्रशासित का लेखक कौन है? 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2023 में भी पूछेगा। फटाफट क्या होगा, किसके बाद इलाहाबाद प्रशासित की बात हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर जो चला रहे हरिशन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य की बात की जा रही है। चाणक्य जो थे ना, वह किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 51, फिल्म गवर्नर गरम हवा के निर्माता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म जो थे गरम हवा, उसके निर्माता कौन थे? तो गरम हवा के निर्माता थे एम एस सथल्यू थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मेदे धाकर तारा फिल्म के निर्माता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बाद मेदे धाकर तारा के फिल्म के निर्माता कौन थे? चार ऑप्शन देगा, फटाफट राइट आंसर लाओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में बी ऋतिक घटक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 53, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? 2021 में क्वेश्चन पूछा था, किसके? जीवक वैद्य की बात हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो चला हरियक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अपन 54, पंजाबी शेरुली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में प्रकाश टंडन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? 2018-20-21 में पूछा था, कौन सा आंदोलन जो था डांडी मार्च से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो चला रहे सवनीय अभिज्ञा आंदोलन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 2010, 2011, 2013, 2018, 2019, 2020, 2023 में ही पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। किसकी बात हो रहा है? असहयोग आंदोलन की बात हो रहा है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी जो थे भारत में कब आए थे? साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके भारत कब लौटते थे गांधी जी? तो गांधी जी लौटते थे 1915 में, गांधी जी भारत लौटते थे 1917 में, चंपारण आंदोलन में गए थे 1917 में, याद रखेगा, जिसे किसान आंदोलन भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वैदिक सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? चार ऑप्शन देगा, प्रेफरेंस लगाओ क्या होगा। वैदिक जो सभ्यता थी ना, वह थी ग्रामीण सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, त्रिरत्न किस
धर्म से संबंधित है, किसकी बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की बात हो रहा है, त्रिरत्न जो थे वह किस धर्म से संबंधित थे, तो त्रिरत्न थे वह जैन धर्म से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन में आंसर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, 2011 से 17 और 20 में पूछा, जल्दी लगा, त्रिपिटक जो थे ना वह किस धर्म से संबंधित थे, वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, लक्ष्मी, मिट्टू, जितेंद्र, सुनील, चलिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतनी शिद्दत से करो कि सफलता जो आपकी शोर मचा दे। चलिए क्वेश्चन में शॉर्ट आ चुका है, पर अब शोर मचाओ क्या होगा। तृतीय बहुत संगीत कहां हुई थी, 2020 में क्वेश्चन पूछा था, तृतीय बहुत संगीत की बात हो रहा है, चार ऑप्शन देगा, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ, राजगिरी, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं, पाटलिपुत्र उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में ए वाले बच्चे का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 61 कहता है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, जो किसान आंदोलन हुआ था 1917 में, किसके अनुरोध पर गांधी जी भी गए थे किसान आंदोलन में, चार ऑप्शन देगा, फरवरा राइट आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल के जो है ना अनुरोध से गांधी जी जो गए थे वह कहां गए थे, चंपारण गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, कब तोड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में 6 अप्रैल 1930 को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में अपन 63, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गोल में सम्मेलन की बात हो रहा है, क्वेश्चन में 63 का राइट आंसर जो चला रहे द्वितीय गोल में सम्मेलन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जा रही है, क्वेश्चन में 64 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1878 में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था, किलेबंद जो बस्ती था उसका नाम क्या था, तो चार ऑप्शन देगा, फटाफट आंसर लगाओ क्या हुआ, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन 65 का राइट आंसर जो लगा रहे हैं ना फोर्ट विलियम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर्ट विलियम। चलिए क्वेश्चन 66, राइट्स बिल्डिंग किस राज रन की प्रशासकीय भवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 का राइट आंसर जो चला रहे पश्चिम बंगाल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन 67, किस गांव को कलकत्ता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गांव है जो कलकत्ता जब बन रहा था, स्थापना हो रहा था, उसको नहीं मिलाया गया था, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर जो चला रहे अलीपुर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालीन जो कारण था वह चर्बी वाला कारतूस था, इसके कारण जो हुआ था, कब हुआ था, 10 मई 1857 का जो है मेरठ से जो है विद्रोह जो शुरू हुआ था वह चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया, समझ गए। चलिए बहुत सुंदर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे, 2020-21 में क्वेश्चन पूछा था, जब 1857 का क्रांति हुआ था उस समय जगदीशपुर के नेतृत्व किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर जो लगा रहे वीर कुंवर सिंह, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 70, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर की बात हो रहा है, कानपुर में किसने संभाला था, कानपुर में नाना माहिब ने संभाला था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले क्वेश्चन में खत्म, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, किसकी बात हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रहा है, चार ऑप्शन है, फटाफट राइट आंसर क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिमा नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन
राइट बारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? चार ऑप्शन देगा, जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 72 का राइट आंसर जो बचे लगा रहे ऑप्शन बी 51% भाग पर राइट आंसर ऑप्शन बी बल बचेगा, कमाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन में अपन 73, क्वेश्चन में 73 का फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? 2018-2021 में क्वेश्चन पूछा था। किसकी बात रहा? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय की बात की जा रही है। क्वेश्चन में 73 का राइट आंसर जो बचे लगा रहे पुर्तगाल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार किया था, याद रखेगा एग्जाम में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 14, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट की बात की जा रही है? चार ऑप्शन है, जल्दी से लगाओ आंसर। क्वेश्चन में 74 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे पांचवी रिपोर्ट की बात की जा रही है, राइट ऑप्शन में सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 75, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2009, 2019, 2020, 2021, 2023 में सीधे प्रश्न पूछेगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछ देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? 2019 में क्वेश्चन पूछा था, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। किसकी बात हो रहा है? फतेहपुर सिकरी की बात की जा रही है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं तो वक्त से हारकर बैठा था आंखें खोलकर, मैं तो वक्त से हारकर बैठा था आंखें खोलकर, सामने देखा तो कुछ लोग खुद को बादशाह समझ बैठे थे। समझिए बादशाह आप सभी लोग हो, आंसर बहुत ही अच्छा लगा रहे हैं, एग्जाम में जाकर एकदम क्वेश्चन को फोड़ डालोगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 77, इसको फोड़ो क्या होगा। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 2018-2021 में क्वेश्चन पूछा था, फटाफट राइट आंसर क्या होगा। किसके बाद हो रहा है? साइमन आयोग की बात हो रहा है, साइमन आयोग जो है ना वह 1928 ईस्वी में आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, जिसमें साइमन आयोग में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था, डंडे मारकर उनके सर पर डंडे मारने से इनका मृत्यु हो गया था। एक क्वेश्चन ये बनेगा, साइमन आयोग जब भारत आया था असेंबली में भंग कौन फेंका था? भगत सिंह ने असेंबली में भंग फेंके थे, जिसके कारण उनको फांसी की सजा दिया गया था। कब फांसी? 23 मार्च को इनका फांसी मिला था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आ चुका है यहां पर 78, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 2021 में क्वेश्चन पूछा था। किसकी बात हो रहा है? चौरी चौरा कांड की बात की जा रही है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1921 को हुआ था, राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 का राइट आंसर क्या होगा। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना पतावी सीतारमैया को पराजित किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 80, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में जो हुआ था इसकी स्थापना किसने की थी? 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 78 का भी होगा, ठीक है 78 का फिर से देख लेंगे लास्ट में, समझ गए। चलिए फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, सबको लाइव टेस्ट भी लगाना है, लाइव टेस्ट भी लगाना है। चलिए क्वेश्चन में 80 का राइट आंसर जो चला सुभाष चंद्र बोस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था, किसने किया था? वह सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। 78 का एक सेकेंड रुक जाओ, 78 का देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, समझ गए 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए और कोई दिक्कत नहीं, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए बात बनिया, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 81 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में अकबर ने, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग नजिया बहुत ही लेट आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अकबर का संरक्षण कौन था? 2015 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब किसकी बात हो रहा है? चाय पीना है सर जी, थोड़ा पार्सल कर दीजिए कहीं आ जा यहां पर निकलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर
बेरासी का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए उनका 100% है, बैरम खा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अकबर निम्नलिखित में से किस राज का अधिकार नहीं कर सकता, जल्दी बताओ किस राज पर जो अधिकार अकबर नहीं कर सका था। चार ऑप्शन है मबार, मरबार, मेवार, जोधपुर, चित्तौड़। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं मेवार उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेवार पर अधिकार नहीं कर सका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पंचायत का सरदार का एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत राज का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे, उसे चौधरी या सरपंच कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। पंचायत और मुखिया जो होता है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे मंडल या मुकदम कहा जाता था पहले, समझ गए। अब मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों द्वारा होता था, किसके द्वारा होता था, बुजुर्गों द्वारा होता था। गांव के आमदनी जो थी ना और खर्चे का हिसाब किताब जो अपनी निगरानी में बना बना कर मुखिया का मुख्य कार्य होता था, समझ गए। जो खर्चा हुआ, जो काम हुआ, वो सबका क्या काम था, हिसाब किताब लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 85, गांव के मुखिया मुकदमा या मंदिर का मुख्य कार्य क्या था, अभी जस्ट बताते तो वो क्या करता, वह गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पर 86, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह कौन सा भाग है। तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में पश्चिमी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पा चुका है 87, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया, उसका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र में था उसका नाम था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सीधे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 88, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, 2018-20-21 में पूछा था, किसकी बात हो रही, विरूपाक्ष मंदिर की बात की जा रही है। विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, वो स्थित है हम्पी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 89, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, 2018-21 में क्वेश्चन पूछा था, किसकी बात हो रहा है, अयंगर व्यवस्था की बात हो रहा है। अयंगर व्यवस्था जो है किससे संबंधित है, वो संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सांची का स्पूत को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, हम अहम भूमिका किसका था। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो चला रहे हैं एच एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ये सभी का मुख्य अहम भूमिका थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कर, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे। क्वेश्चन में कौन वे का राइट आंसर जो चला रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदमा, ये सभी होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92, किस विदेशी यात्री को यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर जो चला रहे हैं निकोला कोंटी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोला कोंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, महानवी के दिव्य को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर ए, डेमिंगोस पाइस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ा का व्यापारी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा का व्यापारी कौन सा विदेशी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे, अफनासी निकिटन और फनवर नूनिज, ये दोनों थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 95, सुल्तान ने प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या कितने थी। तो प्रवेश द्वारों की जो संख्या थी ना वह कितनी थी, 7 संख्या थी, कितने, 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला की बात हो रहा, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे वह ख्वाजा मुइनुद्दीन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 97, निजामुद्दीन औलिया
दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया की बात हो रहा है, निजामुद्दीन औलिया जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 98, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर जो बचला मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 99, वीर साहब के जनक कौन थे। लिंगायत आंदोलन में जो वीर साहब थे उनका जनक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर जो बचला है बसवन्ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है, इब्न बतूता की बात हो रहा है। एक बार वीडियो को जान कलम फेंक कर लाइक करो या कॉपी फेंक कर लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर करना, समझ गए। चलिए क्वेश्चन में 100 का राइट आंसर जो चला रहा है 14वीं सदी में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी जो है मेंटी टेस्ट होने वाला है, अब जो है टेस्ट होने वाला है, एक बार जमकर वीडियो को ज्वाइन शेयर कर दो, जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना। कलम फेंको या कॉपी फेंको या सर फेंक कर लाइक जरूर टिपना चाहिए, समझिए, और लाल वाला बटन जरूर टिपना चाहिए। जो अभी नए से गलती से भी आ गए हैं वो लाल वाला बटन पर क्लिक करके अपना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आपको टेस्ट लगवाने के लिए अब सीधे चलते हैं कहां पर, सबको पता है गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। कहां पर जाना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। गूगल के क्रोम ब्राउजर में जैसे ही आप लोग जाइएगा वहां पर जो है आपको सर्च कर लेना बिहार सेंटर। क्या सर्च करना है, बिहार सेंटर सर्च करना। बिहार सेंटर जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा। सभी स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर आगे टेस्ट लगाना है, सबको टेस्ट लगाना है, टेस्ट किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको याद रहेगा। यहाँ पर बिहार सेंटर सर्च करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली जो है बिहार सेंटर नीचे में दिख जाएगा हिंदी में लिखा हुआ, आपको बिहार सेंटर पर क्लिक करना है। इसमें जैसे आप लोग क्लिक करिएगा सबसे पहले जो पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, दो से तीन सेकंड इस पे क्लिक करने के बाद दो से तीन सेकंड वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिजल्ट शो हो रहा है। अब जो है रिजल्ट शो होना बंद हो गया है, जो रिफ्रेश नहीं करता है उसका रिजल्ट भी शो नहीं होता है। उसके बाद जो है और फिनिश वाला बटन भी क्लिक करना होता है, दोनों दो कंप्रेस अप करना होता है, समझ गए। चलिए इस पे जैसे आपको क्लिक करिएगा उसके बाद जो है गिव ऑनलाइन मेंटी टेस्ट का ऑप्शन ऊपर मिलेगा, मोबाइल के सबसे ऊपर मिलेगा। अगर इस तरह का इंटरफेस खोले करके आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना, समझ गए। चलिए इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको, जो है डायरेक्ट जो है आप इस पे क्लिक करके आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, समझ गए, आराम से यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। कमाल का टेस्ट लगाना, क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छे से पास करना चाहते हो, एग्जाम में कमाल करना चाहते हो, तो लिंक पिन कर दिए फटाफट यहाँ टेस्ट लगा लो, समझ गए। यहाँ पर जो है आपको सिंपली आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वो जो है रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद जो है जैसे ही आप लोग अंदर जाएगा ऊपर में दिया गया है यहाँ पर लाइव प्रूफ जो दिख रहा है ना, 12वीं परीक्षा 2023 का लाइव प्रूफ डमी एडमिट कार्ड का जो है सेक्शन, इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा नीचे स्क्रॉल करके आना नीचे, हाँ डमी एडमिट कार्ड का भी लिंक खुलने लगा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं लगाया, नया टेस्ट सुबह सुबह मनाए थे, समझ गए। यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट स्टार्ट वाले बटन मिलेगा, अगर डायरेक्ट यहाँ का अभी तक पेज को रिफ्रेश नहीं किया नीचे में आप मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके दो से तीन सेकंड वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट शो हो पाएगा। आपको क्या करना है, इस वाले स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आपको क्लिक करेगा इस पे अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है नाम लिखिएगा। नेक्स्ट पर जैसे आप लोग क्लिक करेगा आपके सामने क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। आगे करते करना है, आगे नेक्स्ट करना है, क्वेश्चन आगे जाएगा, प्रिंट करिएगा पीछे क्वेश्चन आएगा, लास्ट में फिनिश वाले बटन पर क्लिक करके टेस्ट को समाप्त करना है, समझ गए। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट जाइए टेस्ट लगाइए, आपको हम पूरा डिटेल में बता दिए कैसे कैसे टेस्ट लगाना है। इसका भी लिंक हम डायरेक्ट देते हैं, किसी भी ऐड पर चलता हुआ ऐड पर क्लिक करके जो है ना आप लोग अपना पेज को रिफ्रेश जरूर करना, ताकि जो आपका टेस्ट देने में आसानी हो सके आपको। इस पर जल्दी से इस पर क्लिक करो, फटाफट टेस्ट लगाने के लिए जाओ। चलिए लिंक पिन कर दिए सर, लिंक पिन कर दिए हैं, आप लोग जल्दी से टेस्ट लगाओ, जाकर आराम से टेस्ट लगाओ। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट लगाने नहीं गए फिर से बता देते कैसे कैसे टेस्ट लगाना है, समझ गए। आपको जो है सिंपली जो है गूगल में, आपके गूगल मोबाइल में गूगल होगा, सबके मोबाइल में गूगल होता है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सिंपली सर्च कर लेना है
क्या सर्च करिएगा, बिहार सेंटर सर्च करिएगा, बिहार सेंटर स्पेलिंग देख लो, अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा बिहार सेंटर का स्पेलिंग देख लो, बी आई एच आर बी आर सी ई एन टी ई आर सेंटर सर्च करना है, छोटा सा स्पेलिंग है, सर्च करिएगा। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा, थोड़ा सा नीचे करिएगा, हिंदी में बिहार सेंटर लिखा रहेगा, हिंदी में बिहार सेंटर मिलेगा। इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। क्लास खत्म हो गया, अरे आप इतना लेट आइएगा क्या कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आपको ऊपर में ही एक से दो सेकंड पहले यहाँ पर रिफ्रेस करके रुक जाना है, रिफ्रेस करने के बाद आपको जो है ऊपर में ही मिलेगा गिव ऑनलाइन मेंटी टेस्ट, मोबाइल के सबसे ऊपरी भाग में मिलेगा, समझ गए। आपको वहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको सिंपली जो है इस वाले सेक्शन पर, इस वाले थंबनेल पर क्लिक करना है, बारहवीं परीक्षा 2023 वाले थंबनेल पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, ये सभी पढ़ते हुए नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा टेस्ट लगाने का ऑप्शन, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके टेस्ट लगाना है, समझ गए। जैसे ही आप लोग स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको इसमें अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा आपके सामने क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाइए जाकर, हम तब तक आपका रिजल्ट भी निकाल देते हैं, शो हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी चेक कर देंगे, फटाफट जाइए टेस्ट लगाइए आराम से सभी स्टूडेंट, समझिए जल्दी जल्दी जाइए, पिन कर दिए लिंक, फटाफट टेस्ट लगाओ जाकर, हम आपका रिजल्ट निकालने के लिए जा रहे हैं, आराम से आप लोग टेस्ट लगाइए, कमाल की तरह से टेस्ट लगाइए और एग्जाम में जो है तहलका मचाना है सबको जाकर, समझिए। एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर भी कर देना, जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए वह वीडियो को शेयर जरूर करना, समझिए। चलिए अभी तक एक भी बच्चा टेस्ट नहीं लगाया है, अभी तक रिजल्ट में एक भी बच्चा टेस्ट नहीं लगाया, समझ गए। फिर से बता देते कैसे टेस्ट लगाना, आपको जो है सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लीजिएगा बिहार सेंटर, क्या सर्च करना है बिहार सेंटर, स्पेलिंग दोनों बी आई एच आर बी आर सी एन टी आर सेंटर आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करिएगा नीचे स्क्रॉल करके आएगा, हिंदी में बिहार सेंटर लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में बिहार सेंटर, इस वाले थंबनेल पर आपको, इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके एक से दो बार यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, रिजल्ट भी जल्दी से शो होगा, समझिए। आपको गिव ऑनलाइन मेंटी टेस्ट पर उसके बाद क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद अगर वहां पर पेज को रिफ्रेश नहीं किए तो यहाँ वाले सेक्शन पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश करना है, दो से तीन सेकंड वेट कर लेना, समझ गए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करके आएगा, यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर बारहवीं परीक्षा 2023 का लाइव प्रूफ यहाँ से दो सेकंड में डाउनलोड करें, इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर हिस्ट्री का भी मेंटी टेस्ट अपडेट किया गया, इसी वाले सेक्शन में अपडेट किया गया, नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं 12th का हिस्ट्री मेंटी टेस्ट 3 यहाँ पर अपडेट किया गया, आप लोग सभी टेस्ट लगाओ, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, समझिए। इस वाले सेक्शन में आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके टेस्ट लगाना है, समझिए, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है। इसका लिंक हम पिन कर दिए हैं, फिर से पिन कर देते हैं, आप लोग यहां से टेस्ट लगा सकते हैं, समझ गए, जाकर यहां से टेस्ट सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं आराम से, इस पे क्लिक करो डायरेक्ट जो है टेस्ट लगाओ जाकर। अगर एग्जाम में कमाल करना है टेस्ट जल्दी से सभी स्टूडेंट जाकर लगाओ और एग्जाम में बेहतरीन तरीका से एकदम एग्जाम में गजब टेस्ट लगाकर यहाँ पर नंबर स्कोर कर सकते हो, आराम से नंबर उठा सकते हो, समझ गए। सभी स्टूडेंट जाओ, इस पे क्लिक करके टेस्ट लगाओ। चलिए रिजल्ट वाले सेक्शन में आते हैं, देखते हैं कौन बच्चा अभी तक टेस्ट लगा चुका है। यहाँ पर जो है हिस्ट्री का मेट्री टेस्ट लक्ष्मी गुप्ता लगाई 100% स्कोर किया, बहुत बढ़िया लक्ष्मी। यहाँ पर जो है यहाँ पर 81% स्कोर किया है कौन, खान जी। चलिए गौतम कुमार किए हैं 12%, यहाँ पर जो है बाबू किए हैं 57%, ये सब कल का टेस्ट है। अभी जो कमाल किया लक्ष्मी गुप्ता जो है कमाल का आंसर लाए हैं यहाँ पर, समझिए सर, रिजल्ट आपका चेक हो रहा लक्ष्मी, समझ गए। आप अपना रिजल्ट देख लो, एक्सलेंट, एक तरह एकदम एक्सलेंट कर गई है, एकदम 100% स्कोर किया है, एक मिनट 50 सेकंड में 100% स्कोर किया है, यानी 16 क्वेश्चन में 16 का 16 सही हुआ है, बहुत बड़े एक्सलेंट,
समझ गए, बहुत ही सुंदर कमाल कर दिए हैं आप लक्ष्मी। चलिए उसके बाद देखते हैं खान जी 81% स्कोर किए, 81% किया है स्कोर, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर खान जी 81% स्कोर किए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, गौतम फेल कर गया, ये सब फेल कर गया। बाबू गुड, ये कल का टेस्ट है, ये जो है कल का टेस्ट है, यहाँ पर हिस्ट्री वाला टेस्ट नहीं है। चलिए अभी दो ही बच्चा टेस्ट लगाए, तीन बच्चा टेस्ट लगाए, फिर से पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए नजिया, नजिया 93% किया है, बहुत बड़े एक्सलेंट नजिया, कमाल कर दिए 93% एक्सलेंट लाए हैं। 90+ एक्सलेंट है, 80+ वेरी गुड, 70+ जो है गुड, समझ गए। चलिए आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, समझिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस ऑल पर क्लिक कर देना, डेली क्लास आपके लिए लेकर आते हैं, डेली डेली क्लास। आज से जो है 1-3 बजे या 2 बजे क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा, शायद आज फिलोसफी का क्लास होने वाला है, समझिए। चलिए आज का क्लास कैसा लगा सभी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।